हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। तो हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी फ्लो से। एनर्जी फ्लो के वजह से इस टॉपिक का मैंने पिछले वाली वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि जो हमारी एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूसर्स से जो हमारे ऊपर के हर्बीवोरस कार्निवोरस जो ऊपर के ट्रॉफिक लेवल्स हैं वहाँ तक ट्रांसफ़र होती हैं, इसका थोड़ा सा मैंने डिस्कशन किया था। तो आज ये एक पूरा टॉपिक ही है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा इकोसिस्टम है दैट मेंटेन्स देमसेल्व्स बाय साइक्लिंग एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। मतलब ये पूरी अपनी साइकिल होती है इसकी, एनर्जी की भी और न्यूट्रिएंट्स की भी। कैसे, जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो है वो हमारे ट्रॉफिक लेवल 1 पे होते हैं, हर्बीवोरस ट्रॉफिक लेवल 2 पे, कार्निवोरस जो है उसके अंदर, जैसे ये तीनों की तीनों चीज़ें हम पिछले में डिस्कस कर चुके हैं, ट्रॉफिक लेवल 3, 4, 5, इसके अंदर वो 5 तक आ जाती हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं हमें पता है कि वो अपना फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं, और उसके अंदर जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है C6H12O6, उसकी जो बॉन्ड्स हैं उसमें एनर्जी स्टोर होती है, वो जो एनर्जी है वो सन से गेन करता है, ठीक है। तो यही एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है। मतलब जो प्लांट्स हैं हमारे, दे यूजेस सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक प्लांट मटेरियल थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का वो क्या है कि ऑन एंड एवरेज जो हमारी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, जो पास हो रही है एनर्जी वो अप्रोक्सीमेट 10% हो रही है। मतलब एनर्जी की जो एफिशिएंसी है वो 10% है, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो एनर्जी फ्लो है दैट इज़ द यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी वेस्ट हो जाती है, जैसे जो हमारी प्रोसेस हैं जिनके थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ट्रॉफिक लेवल्स में, और उसमें जो लॉस होता है जैसे रेस्पिरेशन से, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, या फिर कई बार तो ऐसा हो जाता है कि कुछ डेथ की वजह से भी कंज्यूमर्स उनको नहीं खा पाते हैं, तो वो एनर्जी अगले साइकिल में नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। मतलब ये मान लो ना टोटल 100% एनर्जी, तो 90% तो लॉस ही हो रही है, सिर्फ 10% ही पहुँच रही है, ठीक है। एंड द लो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉफिक लेवल मेक्स डिकम्पोजर्स जनरली मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोड्यूसर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्लो, क्योंकि डिकम्पोजर्स तो क्या होते हैं लास्ट में, मतलब फाइनली वो जो भी डेड प्लांट्स, डेड जो भी हमारे पास एनिमल्स हैं उन सबको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे, मतलब जो भी हमारी अर्थ है उसमें वापस डालते हैं, तभी तो प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अर्थ से वापस न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। तो मतलब इनका काफ़ी रोल है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? एक्चुअली ये एक सीक्वेंस है। अ फूड चेन इज़ द सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स हुम इन अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी टू ऑब्टेन न्यूट्रिशंस, ठीक है। कौन किसको खाता है, सिंपल सी बात है। फूड चेन क्या है, जैसे अब हमारे पास दो टाइप की है यहाँ पे, ग्रेजिंग फूड चेन है जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं, मतलब जो लोग जिंदा हैं, मतलब जो भी एनिमल हैं, जो भी है टेरेस्ट्रियल पे, एक्वेटिक है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, और डेट्रेडिस में डेड थिंग्स जो हैं उनकी अलग अलग फूड चेन होती है। तो और जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन और एंड एक्वेटिक फूड चेन, मतलब जो भी हमारे तालाब वगैरह में जो फूड चेन चल रही है, और टेरेस्ट्रियल जो हमारी अर्थ पे चल रही है, ठीक है। जो हमारी टेरेस्ट्रियल फूड चेन है उसमें अप्रोक्सीमेट 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, मतलब 5 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और जो हमारी एक्वेटिक फूड चेन है उसमें 7 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था ना ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक है, उसमें 7 मतलब मैक्सिमम है, और मुझको 6 से मिलता है, बट 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब पहले ये देखने से पहले कि टेरेस्ट्रियल क्या है, मतलब विद एग्जांपल मैं एक बार बताती हूँ, उससे पहले एक बार डिफरेंस देख लो ग्रेजिंग फूड चेन में और डेट्रिटस फूड चेन में क्या है डिफरेंस। वैसे तो दिख ही रहा है कि ग्रेजिंग फूड चेन जो लिविंग थिंग्स में होती है वो डेड थिंग्स में होती है, ठीक है। अब जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसके अंदर जैसे फर्स्ट पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, प्लांट से, मतलब प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, वो उसका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। और जो डेट्रिटस फूड चेन है वो मतलब डेड जो हमारी थिंग्स हैं उनसे स्टार्ट होते हैं, डेट्रिवोरस ना, डिकम्पोजर्स, उसका जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। अब जो ग्रेजिंग वाला है उसमें एनर्जी कहाँ से आती है, सन से आती है, लेकिन जो डेट्रिटस वाला है उसमें एनर्जी कहाँ से आती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स से, ठीक है। एंड ग्रेजिंग वाले में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑफकोर्स हमें पता है कि जो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें प्लांट्स हैं, ये हर्बीवोरस कार्निवोरस, ये सारे के सारे मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आते हैं, लार्ज स्केल पे हैं। और डेट्रिटस में क्या होते हैं, सब सोइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि वही उसको डिकम्पोज करते हैं। एंड ग्रेजिंग फूड चेन इज लॉन्गर इन साइज एंड डेट्रिटस इज अ लिटिल बिट स्मॉलर इन साइज, मतलब नेक्स्ट में आपको डेट्रिटस का एग्जाम्पल दूंगी। अब हमारे पास जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारा टेरेस्ट्रियल का है, मतलब लैंड पे जो एग्जांपल्स है वो देखो, इसमें मैंने दिया हुआ है ग्रास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, ग्रास होपर, ठीक है, फ्रॉग, स्नेक,
और हॉक या फिर आप ईगल वगैरह भी बोल सकते हो आगे, मतलब ये जो टॉप लेवल पे आते हैं ना, टाइगर वगैरह हैं, और मतलब ये टॉप लेवल पे आते हैं वल्चर्स वगैरह। तो ये हमारी ग्रेजिंग फूड चेन हो जाएगी। सॉरी, वल्चर्स तो हमारा डेटेटस में आता है, क्योंकि वो डेड थिंग्स वो आता है, वो नहीं होगा। ये हमारे हॉक हो गया, ईगल हो गया, या फिर टाइगर वगैरह हैं, ये सारे हमारे टॉप कार्निवोर्स में आते हैं, ट्रॉफिक लेवल 5 पे हैं। ठीक है, अब मैंने इसके नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है एनर्जी का, मतलब ये ट्रू नहीं है कि यही एग्जाम्पल होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए कि 10-10% ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। मतलब अगर हमारे ग्रास जो जो प्लांट्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जस्ट ट्रॉफिक लेवल 1 पे अगर वो 100 किलो कैलरी मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वाली स्टेज पे जो हर्बीवोरस हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, वो उनके पास जो एनर्जी जाएगी वो 10 कैलोरी जाएगी। आगे फ्रॉग के पास में 1 कैलोरी, नेक्स्ट के पास 0.1, नेक्स्ट के पास 0.01 किलो कैलोरी। ये एक एग्जाम्पल है, 100 किलो कैलोरी की बजाय 1000 किलो कैलोरी भी हो सकता है। मतलब सिर्फ इसका समझाने का ही कि 10-10% ही ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, और आप देख सकते हो इसमें 5 तक ही ये पॉसिबल है। नेक्स्ट इज़ द एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन में आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एल्गी से स्टार्ट करते हैं। एल्गी है, और इनको जेली फिश खाती हैं, उसको छोटी छोटी फिश तो होती हैं, लार्ज फिश है, ठीक है, शार्क, किलर वेल्स, ये इस तरीके से इसका ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज हो रहा है। ये इसको खाते हैं, ये इसको खाते हैं, तो ये फूड चेन है। फूड चेन हमें बताया था वही है, कौन किसको खाता है, और सेम ऐसे इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, लास्ट वन इज़ द डेट्रिटस फूड चेन। जो हमारे ड्राई लीव्स हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, पेड़ों से गिर जाते हैं, अर्थवर्म्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे से उनको ये ड्राई लीव्स को वो मतलब अर्थवर्म्स, और अर्थवर्म से स्मॉल बर्ड्स हैं, स्मॉल बर्ड को फिर लार्ज बर्ड है, मतलब बस ये इतनी ही सीक्वेंस रहती है इनकी, डेट्रिटस की। इसके बाद में आता है हमारे पास, ये तो हमारा फूड चेन था। नेक्स्ट इज़ द फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, मतलब एक्चुअली फूड वेब क्या है, ये लीनियर नहीं है, दे आर इंटरकनेक्टेड, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं फूड वेब। कैसे, जैसे अब हमने देखा कि टॉप लेवल के जो कार्निवोर्स हैं वो नंबर उनका काफ़ी कम है, लाइक टाइगर वगैरह हैं, इनकी नंबर कम है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोरस जो डायरेक्ट प्लांट्स में हैं। ठीक है, तो प्लांट्स मतलब उनको जो टॉप कार्निवोर्स हैं उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन वो उन तक पहुंच तो बहुत कम रही है। इसलिए क्या होता है, उनके पास ऑल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। जो टॉप वाले हैं वो नंबर में कम मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उनके पास ऑल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, उनके ऑल्टरनेटिव्स बहुत कम हो जाते हैं जैसे जैसे आप नीचे रहोगे। ठीक है, तो फूड वेब क्या है, वो एक इंटरकनेक्टेड है, मतलब नंबर ऑफ फूड चेन इंटरसेक्टिंग ईच अदर। जैसे कि मैंने लास्ट वाला एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, तो जैसे कि ग्रास है, अब यहाँ से ग्रास ऊपर आ गया, रैबिट हो गया, माउस हो गया, और मतलब अब ग्रास ओवर को कौन खा रहे हैं, फ्रॉग खा रहे हैं, लेकिन लिजार्ड भी खा सकते हैं, माउस भी खा सकता है, ठीक है, स्नैक है, स्नैक किसको खा सकता है, फ्रॉग को भी खा सकता है, लिजार्ड को भी खा सकता है, रैबिट को भी खा सकता है। लिजार्ड मतलब जो ये है, लिजार्ड जो माउस को खा सकती है, ये वो वाली लिजार्ड नहीं है जो घर में है, मतलब इनका भी अगर आप मतलब अलग अलग वेराइटीज़ होती है, अगर आप उसको पर्सनल फोकस कर रहे हैं तो ये काफ़ी वेराइटी की होती है। ठीक है, तो उनकी बात हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि स्नेक किस किस को खा सकता है, फ्रॉग को भी खा सकता है, लिजार्ड को भी खा सकता है, रैबिट को भी खा सकता है। तो मतलब एक जो है वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये फूड चेन जो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे पे, तो इसी को हम फूड वेब कहते हैं। मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड चेन है, कॉम्प्लेक्स फूड चेन है, वही उसी का नाम फूड वेब है, क्योंकि ऊपर जाते जाते हैं तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, और इसके लिए उनके पास ऑल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा मतलब हो जाते हैं आगे जाके ना। ठीक है, और ग्रास ऑफर जो है उनके पास में लेस ऑल्टरनेटिव है। तो ये सिंपल मतलब ये कुछ टर्म्स हैं, बस पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ भी इसी में से कुछ क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर कहीं यूज़ हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है। ये कि कॉम्प्लेक्स फूड चेन है जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव जो हैं इंटरसेक्ट करती रहती है फूड चेन, वो चीज़ है। ठीक है, और उससे पहले एनर्जी फ्लो था, उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना ही था कि वो 10% वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रॉफिक लेवल से, और 2 या 3 उसकी जो है ये ग्रेजिंग फूड चेन्स आ गई। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट था। उसके बाद में हमारा लास्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेते हैं इसमें पिरामिड्स, एक्चुअली यही क्वेश्चन बनता है कि वो अपराइट होगा या फिर इन्वर्टेड होगा बस। ठीक है, अब सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है, एक्चुअली ये एक डायग्राम्स होते हैं, जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं आर डायग्राम्स दैट इल्यूस्ट्रेट हाउ इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सच एज एनर्जी, बायोमास एंड पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज मतलब नंबर, उनका नंबर ऑफ जो भी है, वेरी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इको सिस्टम। इको सिस्टम जो हमारा है उसमें ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में इनका वेरिएशंस कैसा है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होगा, शोइंग द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो
एंड और प्रोडक्टिविटी एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, वो एनर्जी फ्लो के रेट को दिखाता है। तो ये वाली जो है वो हमेशा ही जो हमारा पिरामिड बनेगा वो अपराइट पिरामिड बनेगा, ठीक है। हमेशा ही जो एनर्जी का पिरामिड होगा वो अपराइट ही होगा एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। एनर्जी इज मैक्सिमम, प्रोड्यूसर लेवल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके पास एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये एग्जांपल मैंने अभी पीछे भी दिया था जिसमें मैंने एग्जांपल में 100 किलो कैलोरी लिया था और धीरे धीरे 10 10 करके ये कम हो जाता है। तो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी एंड जो टॉप कार्निवोरस हैं उनके पास में मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है। और जो लॉस एनर्जी का वो बता दिया था मैंने, हीट रेस्पिरेशन एटसेट्रा, इन सब में एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला था पिरामिड ऑफ एनर्जी। सेकंड वन इज, इसमें याद करने का एक ही पॉइंट है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो वो हमेशा अपराइट होगी एंड इरेक्ट होगी। बाकी एग्जाम्पल तो आपको पिछले वाले से भी याद ही है। नेक्स्ट इज़ द पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स में क्या है, शोइंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एट ईच लेवल। हर एक लेवल पे जो इंडिविजुअल्स उनके नंबर को बताता है। अब मैंने इसमें दो एग्जांपल दे रखे हैं, एक अपराइट है और एक इन्वर्टेड है। तो अपराइट जो है वो हमारे जो नॉर्मल है, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, ये इनके जो नंबर्स हैं वो अपराइट होंगे, क्योंकि सबको पता है प्लांट्स हैं या फिर जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं हर्बीवोरस वगैरह, वो नंबर में बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी अभी रिपीट किया था ये पॉइंट, जैसे जैसे आप टॉप कार्निवोरस या टॉप ट्रॉफिक लेवल पे जाते जाएंगे तो उनके नंबर्स जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। टाइगर्स वगैरह कम है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोरस, ठीक है। तो ये अपराइट हो जाएगा। लेकिन नंबर के पॉइंट में जो पैरासाइट्स की जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। हाइपर पैरासाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, पैरासाइट्स जो हैं वो उसे थोड़े से कम हैं, ठीक है। उसके बाद हर्बीवोरस एंड देन प्रोड्यूसर्स, ये आप समझ सकते हैं। जो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे से, मतलब इंसेक्ट्स वगैरह, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं वो। इस ये वाली जो है वो इन्वर्टेड में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या हो जाएगा, शोइंग द टोटल ड्राई वेट एंड अदर सुटेबल मेजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, ठीक है। ये भी आपके दो तरीके से, अपराइट भी है और इन्वर्टेड भी है। अपराइट हमारी क्या हो जाएगी, वेट की बात हो रही है यहाँ पे, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा है, लाइक प्लांट की बात करूँ मैं, फिर धीरे धीरे जाते जाते धीरे धीरे वो उसका वेट कम हो जाएगा। अब जैसे मतलब इसमें मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, ये इतने केजी, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो कम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि टॉप कार्निवोरस जो है उसका सिर्फ 1 kg ही वेट होगा। जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है, कि अपराइट पिरामिड होगा और धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे तो वो उनका वेट कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन अगर आप इसको एक पॉन्ड में बात करें, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ पॉन्ड, ठीक है, तो उसमें ये इन्वर्टेड होती है, क्योंकि जो हमारी छोटी छोटी सी जो स्मॉल फिश हैं या फिर जेली फिश हैं, फिर लार्ज फिश हैं, तो उनका जो वेट है वो मतलब उनका वेट जो है वो कम है, एंड जो लार्ज फिश हैं, मतलब आगे आप देखते जाओ तो उनकी उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये इन्वर्टेड हो जाएगी इसमें। ये मतलब ऐसा नहीं है कि और भी कोई बहुत सारे होंगे कि आपको इन्वर्टेड, इन्हीं में से आ जाएगा। लाइक क्वेश्चन अगर ये आ गया, पैरासाइट्स वाले जो है वो अपराइट होगी कि इन्वर्टेड होगी, है ना। एक दो ऑप्शन और दे दिया, बहुत हो सकती हैं, नन ऑफ द अबो, इस टाइप से। तो आपको पता होना चाहिए पैरासाइट्स जो है इन नंबर में वो इन्वर्टेड होती हैं, और जो बायोमास वाली है वो कौन सी इन्वर्टेड होती है, ऑफ बायोमास इन अ पॉन्ड, ये वाली जो आपकी पिरामिड होती है वो इन्वर्टेड होती है। मतलब एग्जैक्टली यही याद रहना चाहिए, इसमें से आने के चांसेज हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो इतनी ही है, यही टॉपिक है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कुछ साइकिल्स स्टार्ट करने वाले हैं, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल एटसेट्रा, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।